आज के वीडियो में बात कुछ मीडिया डिबेट्स की करेंगे। पहले कुछ डिबेट्स न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा की देखते हैं, जिनमें अमन चोपड़ा को विपक्षी नेताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के चुनावों पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल अनुराग भदौरिया से किया। जब वे जवाब दे रहे थे तो एंकर ने उन्हें टोका, जिस पर नेता ने एंकर को सुना दिया। ये वर्षों से हिंदुस्तान के अंदर में कभी भी कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कोई नई बात नहीं, होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो राष्ट्र के अंदर में जो यहाँ पे देशद्रोह का काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई कब होगी, काम करेगा लगना चाहिए। आप वकालत करते हैं, आप योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं जो इन देशद्रोहियों गद्दारों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा, ये आप बोल रहे हैं, ठीक है? मैं बोलने देंगे क्या आप बोलेंगे? अभी दो मिनट आपने बोल लिया, ये रोना धोना विक्टिम कार्ड जेब में रखिए बस करिए अनुराग आपने दो मिनट बोला अनुराग भदौरिया। फिर मैं ललितपुर गैंगरेप पर चला जाऊंगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, राजेश जैन को गिरफ्तार किया गया है, ललितपुर गैंगरेप 17 साल की बच्ची। अनुराग आपको लग रहा हमारी सरकार होती तो इनको साइकिल पर बिठा लेते, आज देशद्रोह का मुकदमा हो गया। किसान आंदोलन के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने किसान नेता से सवाल किया, जिस पर किसान नेता ने जवाब दिया। जब एंकर डिबेट में सरकार का पक्ष लेते दिखाई दिए तो किसान नेता ने एंकर को सुना दिया। पड़ी तो बिल की क्या पड़ेगी, लाखों लोग परेशान है, 12 लाख में 200 रुपए जेब से रोज जा रहे हैं, हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, मतलब दिहाड़ी मजदूरों के पेट पे लात मार के बैठे हैं लोग, जो बॉर्डरों पे हो, आपको लग रहा है बिल की पड़ी है? और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। और जहां तक आपको ये राज्यसभा में बना देंगे और बीजेपी का प्रवक्ता बना देंगे आप, इससे तो अच्छा सारे दिन यही सब करते रहो। हाँ बोलिए खटाना जी, आप बोलिए, उसके बाद रेडी जी मैं आऊंगा, एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट और दे दीजिए, बोलिए बोलिए खटाना, बोलिए, आपका सम्मान करते हैं, आप सुनिए अब। हाँ बोलिए बोलिए पवन खटाना जी, आप बनिए बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा, और आप बनिए खालिस्तान के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता आप बनिए। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ तो लोगों की बात करना, बीजेपी का प्रवक्ता बनना हो गया भाई? लोग परेशान है, 12 लाख लोग परेशान है, आपके ड्रामे के चक्कर में, अराजकता के चक्कर में मैं क्यों पैसे दूं? इस सरकार की चाटुकारिता बंद कर देगी। खालिस्तान की चाटुकारिता नहीं करता मैं खालिस्तान की चाटुकारिता नहीं करूंगा। अब बात भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी की करते हैं। सुधांशु अक्सर डिबेट में विपक्ष पर हावी होते हैं, पर आज उनकी कुछ ऐसे डिबेट देखते हैं जिनमें विपक्षी नेताओं ने उनको करारे जवाब दिए। न्यूज 18 पर एक डिबेट में एंकर ने भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी से सवाल किया, जिस पर जब वे जवाब देने लगे तो विपक्षी नेताओं ने एक एक कर भाजपा नेता को घेर लिया, जिसके बाद बहस देखने को मिली। मोहम्मद शमी में करेंगे आप 5% 99% की बात करेंगे? मुझे बताएं, देश के गृह मंत्री का खुद सुपुत्र बीसीसीआई का बैठकर वहां पे तालियां बजा रहा था पाकिस्तान टीम के लिए। जवाब ले। अरे भाई, आपका तथ्य सुधार दूं, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हो, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जानते कहां पे ताली बजाई थी, जाके देख लीजिएगा वो इवेंट, मुझे ध्यान है, जब एक बॉल पे 5 रन मिले थे, 9 बॉल हुई थी, फिर ओवर थ्रो पे भी 5 रन मिले थे, 2 बॉलों में 10 रन। ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ जाके चेक कर लीजिएगा, अमित जी ने भी कहा कि 95%। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, देखिए 5% वहां से 5% भाई आप, अरे भाई मैं चेक कर रहा हूँ, मैच देखा हो तब बोलिए, बगैर देखे मत बोलिए। अब मैं दूसरी बात, आपने सही कहा, मैं भाई हमने देखा नहीं, हर हम क्यों देखेंगे, कोई सच्चा देशवासी ने इंडिया पाकिस्तान देखा होगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसा कमाना है, आप तो कह चुके कि गुजरातियों के ब्लड के अंदर जो है वो धंधा होता है। उत्तर प्रदेश के चुनावों के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा नेता ने अपने जवाब से विपक्ष पर तीखा हमला किया, जिसके बाद विपक्षी नेता ने भी इसका करारा जवाब दिया। आजम खान ने यह कह दिया था कि बुलंदशहर में उन्होंने कहा रेप हुआ ही नहीं, उच्च न्यायालय से फटकार पड़ी तब, और तो छोड़िए, आजम खान ने लोकसभा में संसद के अध्यक्ष पद पर बैठी हुई महिला के साथ बदसलूकी की, उन नेता के साथ, और उसके बाद माफी मांगने को तैयार नहीं। खोलेंगे सर, आपका भी खुलेगा ना, याद करिए, लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठी हुई महिला के साथ बदसलूकी, बाकी की तो बात ही क्या, उन्नाव और हाथरस में तो कार्रवाई कर रहे हैं, हमने तो कार्रवाई की, आपके तो डीजीपी बैठ के। अरे भाई ये तो समझिए, यदि लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठी हुई महिला से माफी मांगने को तैयार नहीं थे, इनको घटना आजमगढ़ की घटना भूल गए आप, गाजियाबाद की घटना भूल गए आप, हापुड़ की घटना भूल गए, क्या हुआ था, हाथरस की घटना भूल गए, बाराबंकी की घटना भूल गए, अयोध्या की घटना भूल गए, आप कुशीनगर की घटना भूल गए, कितनी घटनाएं गिनाए आपको, शर्मा जाओगे आप, और महिलाओं के अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और आप एक घटना का नाम लेने में शर्माते हो, आप चिन्मय स्वामी का नाम लेने में शर्माते हो, और आप यहाँ लंबी लंबी बातें कर रहे हो, थोड़ा शर्म कीजिए। आपके ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट।
If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.